हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले बजाज अवेंजर 220 क्रूज़ के बारे में। देखो, अवेंजर 220 नॉर्मल मॉडल भी आती थी, लेकिन फ़िलहाल अभी उसको बजाज की तरफ से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अभी इंडियन मार्केट में 220 में आपको सिर्फ और सिर्फ क्रूज़र वेरियंट जो है वो देखने को मिलता है। और इसका जो इंजन है ना भाई, वो बहुत ही प्रीमियम है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें वही इंजन यूज़ हुआ है जो कि बजाज की पल्सर 220 ऐप में यूज़ हुआ करता था। और आपको पता है कि 220 तो अभी डिसकंटिन्यू हो गई है, तो ये आपको उस इंजन के साथ में ही मिलती है। इस वीडियो में दोस्तों, इस बाइक के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। क्या प्राइस है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसा इस बाइक का इंजन है, कैसी इसकी टायर्स है, मीटर कंसोल, सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं अवेंजर 220 क्रूज़र के बारे में। आप क्रूज़र बोल लो, वैसे तो इसका नाम क्रूज़ है, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेंगे भाई बाइक के प्राइस के बारे में। जो आपका भाई आपको सबसे पहले प्राइस के बारे में बताता है, और ऑब्वियसली बात है भाई, प्राइस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। दोस्तों, इस बाइक के एक्सोरूम प्राइस के बारे में बात करें तो ये एक्सोरूम प्राइस अराउंड 1,38,000, 1,38,000 रुपये के आसपास की एक्सोरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। बात कर लें इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आपको क्लियर करना चाहूँगा, हर एक स्टेट आरटीओ में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हर एक स्टेट के जो आरटीओ होता है ना, उसमें प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए आपको ऑन रोड प्राइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में, आपको बता रहा हूँ, टिल नाउ मतलब लेटेस्ट प्राइस जो है ऑन रोड अराउंड आपको ये देखने को मिल रही है 1,65,000, 1,65,000 रुपये के आसपास की ये आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। बाकी आप लोगों के सीट एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेंगे इस बाइक के फ्रंट के बारे में, ठीक है। थोड़ा आज अलग करते हैं, यानी कि पहले इंजन फिर फ्रंट, वही थोड़ा तरीका अलग चेंज करने की कोशिश किया हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की लाइट्स के बारे में। और देखो, इसका जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्विच ऑन ऑफ का, भाई ये भी बहुत यूनिक है, ठीक है। और इसकी स्विच भी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ से आप इसे ऑन करेंगे, ठीक है। देख पा रहे हैं, ये है बाइक की फ्रंट लाइट, तो देख पा रहे हैं। सबसे पहले देख पा रहे हैं कि इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छा सा LED DRL लाइट देखने को मिल जाता है, ठीक है। देख पा रहे हैं, इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छी सी LED जो DRL लाइट है वो यूज़ की गई है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये इसकी LED DRL लाइट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और आपको बता दूँ, काफ़ी ब्राइट भी, अभी काफ़ी ज़्यादा धूप हो रहा है भाई, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है। मेन लाइट के बारे में बात करें तो वो तो आपको इसमें हेलोजन देखने को मिल जाता है। देख पा रहे हैं, ये बाइक की लाइट है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बजाज इसमें भी LED लाइट के बारे में सोचेगा, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टनल सिंगल लैप के बारे में बात करें तो ये भी आपको इसमें बल्ब देखने को मिल जाते हैं, और इस बाइक में टनल सिंगल लैप भी मेरे हिसाब से LED होने चाहिए, ठीक है ना। ये बाइक की फ्रंट लाइट है। और सबसे पहले देख पा रहे हैं, ये है बाइक की विंडशील्ड, कितनी बड़ी सी विंडशील्ड यहाँ पर यूज़ की गई है बजाज की तरफ से। यही इस बाइक की खास बात है, काफ़ी क्रूज़र, मतलब आपको एक फील आएगा कि हाँ भाई, क्रूज़र सेगमेंट की जो बाइक है वो मैं राइड कर रहा हूँ ना। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। तो देख पा रहे हैं, फ्रंट में आप लोगों को इस बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है, काफ़ी अच्छी राइड कर पाओगे। बात कर लेते हैं बाइक की ब्रेकिंग के बारे में, ठीक है। पहले आपको टायर साइज़ के बारे में बताना चाहूँगा, इस बाइक में आपको फ्रंट में 90 के जो टायर है वो फ्रंट में यूज़ किए गए हैं बजाज की तरफ से, काफ़ी अच्छे टायर साइज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, कि कैसी ब्रेकिंग, क्या ब्रेकिंग आपको बाइक में मिल जाती है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इस बाइक में आपको नॉर्मल सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको ABS है, जो कि सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। और इस प्लेट साइज़ के बारे में बात करें तो ये प्लेट साइज़ अराउंड आपको देखने को मिल जाएगी, प्लेट साइज़ इसकी है 280 mm की, 280 mm के आसपास की जो प्लेट साइज़ है वो आपको बाइक की जो फ्रंट में है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में, कि क्या इंजन आपको इस बाइक में मिल जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बजाज 220 वाला इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 220 cc का, इस बाइक में आपको 220 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल ट्विन स्पार्क प्लग DTSI 4 फ्यूल इंजेक्टेड 4-स्ट्रोक SOSC2 वाला इंजन जो है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 220 cc का इंजन है।
मैक्सिमम पावर में अराउंड 19.03 के आसपास का पीएस पावर है जो कि 8500 आरपीएम पे पावर जनरेट करता है। एंड मैक्सिमम टॉर्क में अराउंड 17.55 का न्यूटन मीटर जो टॉर्क है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। मतलब पावर एंड टॉर्क जो आपको इस बाइक में काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और इसी वजह से दोस्तों इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में कि इंजन में आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो और भी देखने को मिल जाएगी जिसके बारे में मेरे हिसाब से भाई आपको ज़रूर जानना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया कि ऑयल कूल इंजन है तो यहाँ पे आपको बाइक में जो है वो छोटा सा रेडिएटर देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, ये रेडिएटर है ऑयल कूल इंजन इसका और भाई क्या है क्रोमिक तरीके से यूज़ किया गया, ये काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आती है। जी हाँ, 5 गियर की बाइक है। नंबर ऑफ़ 2 वॉल्व आपको बाइक में मिल जाएंगे। एंड ध्यान रखिए नॉर्मल मल्टीवेट मल्टीप्लेट क्लच आपको बाइक में मिलेंगे, स्लीपर क्लच नहीं आते और बाइक में आपको फ्यूल इंजेक्टर इंजन देखने को मिल जाता है। और इस बाइक में दोस्तों किक का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का जो ऑप्शन है वो बाइक में दिया गया है बजाज की तरफ से। ठीक है, तो ये इस बाइक का इंजन है और आप लोग देख पा रहे हैं ये इसकी ऑयल कूल टेक्नोलॉजी यहाँ से काम करती है। सो दोस्तों ये था बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, बात कर लेते हैं इस बाइक के माइलेज के बारे में। ये माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छा निकाल कर देगी। ये बाइक आपको अराउंड 35-40 के आसपास का जो माइलेज है वो निकाल कर दे देती है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी राइडिंग स्किल कैसी, क्योंकि हर किसी का चलाने का जो तरीका होता है भाई वो थोड़ा सा अलग होता है। अब आते हैं रियर में। ठीक है, रियर में सबसे पहले बात करें इस टायर साइज़ के बारे में तो 130/90 के टायर आपको रियर में देखने को मिल जाएंगे। और आप लोग देख पा रहे हैं इसके रियर जो सस्पेंशन है वो ट्वीन शॉक एब्जॉर्बर आपको बाइक में मिल जाते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है, एडजस्टेबल सस्पेंशन है। रियर में आपको इसमें डिस्क नहीं मिलता, ठीक है, ड्रम ब्रेक मिलता है। और यह बाइक का एग्जॉस्ट है जो कि मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी देना चाहूँगा। तो ये बाइक का एग्जॉस्ट नोट है, देख पा रहे काफ़ी अच्छा साउंड है। तो काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट नोट भी आपको इसका देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बेसी साउंड आपको इसमें मिलता है। ठीक है, रियर में आते हैं, ये रियर टेल लाइट है इसकी। टेल लाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, और इसका रियर में आपको एक सपोर्ट देखने को मिलता है सीट, और यहाँ पे आपको एवेंजर की ब्रांडिंग मिल रही है तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें देखने को मिल जाएगा। एंड ये इस बाइक की रियर बात कर ली सीट के बारे में तो इसकी जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल है। कितनी मोटी सीट है, देखो ये देखो कितनी मोटी है, तो काफ़ी कंफर्टेबल राइड आप कर पाओगे। और इसका पोस्चर ही वही है भाई, क्रूज़र वाला सेगमेंट वाला पोस्चर है तो काफ़ी कम्फर्टेबल आप इस राइड बाइक को चलाओगे। ठीक है, बात कर लेते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सो दोस्तों ये है बाइक का स्पीडोमीटर। ठीक है, अब स्पीडोमीटर में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं बता दूं। और फिलहाल तो भाई अभी ना बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है तो सन की वजह से ना मीटर काफ़ी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसे आपको देख पा रही है ये स्पीडोमीटर है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ओडोमीटर मिलता है, ट्रिप मीटर मिलता है, ये आपका फ्यूल इंडिकेटर है, ये आपका फ्यूल इंडिकेटर ये वाला, और यहाँ पर आरपीएम मीटर भी आपको देखने को मिल जाएगा शायद। एक मिनट इसे ऑन करके देखते हैं। ठीक है, हाँ आरपीएम मीटर इसमें नहीं आता, सॉरी। ठीक है, और क्लॉक भी आपको इसमें मिल जाता है। ये इस बाइक का 2 स्विच है जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे और भी चीज़ें, यहाँ पे आपको बजाज की ब्रांडिंग मिलती है, एबीएस की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, और गियर न्यूट्रल आपको पता है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये इस बाइक की टैंक है। स्विचेस के बारे में बात करें, ये पासिस लो बीम हाई बीम टनल सिंगल लैप, ये बाइक का हॉर्न है। यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच, ये आपका लाइट ऑन ऑफ करने का स्विच, सेल्फ का स्विच आपको बाइक में मिल जाता है। और ये इस बाइक के मिरर है, ये भी आपको क्रोमिक काफ़ी अच्छे मिरर जो है बाइक में मिल जाते हैं जो कि बाइक का आपको काफ़ी अच्छा व्यू प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, विंडशील्ड इसकी बहुत अच्छी है और मैं बैठा काफ़ी कंफर्टेबल हूँ यार, देख पा रहे हो। तो ये इसकी सीटिंग पोस्चर है, ये देख पा रहे हैं क्या बेहतरीन सीटिंग पोस्चर आपको बाइक में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लें इस बाइक की डिमिनेशन एंड कैपेसिटी के बारे में कि कैसी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, कैसी इस बाइक की सीट हाइट है। सीट हाइट इसकी बहुत ही कम है, जी हाँ, लगभग 737 mm के आसपास की इसकी सीट हाइट है। मतलब आपकी हाइट 4.8 या उससे ऊपर है तो भी आप इस बाइक को राइड कर सकते हो। मतलब भाई इसकी जो हाइट है वो काफ़ी कम है। ठीक है, और इस बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर की है। ओवरऑल लेंथ अराउंड 2210 mm का। ओवरऑल वीट है अराउंड 806 mm की। और इस बाइक की जो ओवरऑल हाइट अराउंड 1321 mm के आसपास की ओवरऑल हाइट है। प्लस इस बाइक की जो कर्व वेट है अराउंड 163 kg, 163 kg के आसपास की आपको ये बाइक देखने को मिल जाती है।
श्वेता दोस्तों ब्रांड न्यू बजाज अवेंजर 220 क्रूज का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है व्यू। आप लोगों को दोस्तों ये बाइक कैसी लगी भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी बाइक है और इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी, लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। सो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो बना रहे हैं वंदना बजाज में, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे रखा, अगर आपको बाइक लेनी तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।